Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our और जो ये हमने खमीर का मिक्सचर बनाया है ये हिला के हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और डाल के इसको, पानी हमारा गर्म ही होना चाहिए, हम नीम गर्म पानी से इसको भूनेंगे भी। अब इस सारे मिक्सचर को एक दफा फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। मिक्सचर के अंदर अब हमने मैदे को ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कम से कम 2 कप मैदा जाना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से मैदे की और जरूरत है। हमारी ये डो रेडी हो चुकी है, अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। ये हमारी 1 घंटे के बाद ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी हो गई है। अब हम इसको पेड़ा बना के इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा डस्ट करेंगे। एक बड़ा पेड़ा लेंगे इसका।
रोलिंग पैन से अब उसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा इसको हमने थिक ही रखना है। ये देखें, ये तकरीबन थोड़ा थिक है ये हमारा। अब हम इसको कटर की मदद से हम इसको कट करेंगे। डिफरेंट कटर्स हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। इसको हम इतना नीचे तक दबाएंगे कि आराम से नीचे तक कट हो जाए। हम इसकी डिफरेंट कटिंग्स कर रहे हैं, जो बच्चों को अट्रैक्टिव शेप्स लगती हैं उन शेप्स के हिसाब से। अब हम इनको, ये जो हमारी बच गया है, हम इसको उठा लेंगे। ये दोबारा अगेन पेड़ा होगा और अगेन ही जो है ये बन जाएगा हमारा। अब इन शेप्स को उठा के हम आराम से ऑयल में डाल देंगे। अगर आपके पास सांचे नहीं है तो आप एक कप भी ले सकते हैं। उस कप से आप इसको मिड में जोर से प्रेस कीजिए और हल्का सा इसको टर्न कर दीजिए। ये देखें, ये पूरी राउंड शेप कट हो गई है। और दरमियान में कोई ढक्कन ले लें बॉटल का, वो उससे भी आप इसको बीच में से कट कर सकते हैं अगर आपके पास कटर नहीं है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गोल्ड रिंग शेप आ गई है इसकी। साथ ही हम इसके अंदर ये वाले भी डाल देते हैं। ये हमारे यमी यमी बच्चों के फेवरेट डोनट्स तैयार हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.